नमस्कार सर भैया जी, आप देख रहे हैं अपना चैनल डेयरी फार्मिंग विनोद गिरी और मैं विनोद गिरी आज पहुंचा हूं ये सलापुर के बाजार में। सलापुर का बाजार हर मंगलवार को लगता है, इसमें भैंस और गाय दोनों ही आती है, एक से एक अच्छी भैंस आती है। कुछ भैंसों को दिखाएंगे और उनकी जानकारी करेंगे। जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें और वीडियो शेयर करें। सलापुर का बाज़ार हर मंगलवार को लगता है मेरठ बड़ौत रोड पर, मेरठ बड़ौत रोड पर, जिला मेरठ यूपी। अभी कुछ भैंसों को दिखाएंगे, उनकी जानकारी करेंगे। अभी देखिएगा ये सामने भाई ले रहा है भैंस, बहुत ही अच्छी है। जिस भाई ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। पूँछ देखेगा बिल्कुल धरती में घिसड़वा पूँछ। और जो किसान भाई भैंस देखते हैं वो धरती में घिसड़ने वाली भैंस को, पूँछ को अच्छी मानते हैं। और देखा जड़ थणजा बहुत ही साफ़ सुथरी है, थणों में फासला बहुत अच्छा है, बहुत ही साफ थण की है। और ये जो व्यापारी भाई हैं, पहले भी इनकी वीडियो बहुत देखी होंगी हमारे चैनल पर, आती हैं इनकी, हर बाज़ार में पहुँचते हैं और अच्छी अच्छी भैंस लेकर आते हैं। भैंस में थोड़ी जड़ तो कम है, लेकिन जड़ जो है आगे को ज़्यादा है, जड़ जो आगे को ज़्यादा है। अभी देखिएगा कई सारी लेकर आए हुए हैं, छोटी बड़ी साइजों की सभी। अभी इसकी जानकारी करेंगे। जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। और वीडियो के अंत में मंडी मालिकों के नंबर मिलेंगे, जिनसे आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। आ जाओ भैया, खड़े हो जाओ। क्या हाल है भैया? बढ़िया जी। एक बार अपना नाम पता बता दो। सलीम। ये जो भैंस घुमा के दिखाई अभी भाई ने, हाँ जी, कौन से ब्यांत की है? दूसरे ब्यांत की है जी। और क्या दिन की ब्याई हो रही है? आज ब्याई हो रही 10-12 दिन की। दूध कितना आप तैयार? 12 लीटर तैयार है। 12 लीटर है ऐसे कहने का या पक्का? पक्का लोहे का। लोहे का? हाँ। लोहे का भी आ जाए? मजबूत नापती वाला। हाँ। का भाई का कंटे वाला। लोहे का कहने का मतलब है पक्का दूध जो है। इसकी जड़ जो है थोड़ी आगे को ज्यादा है, पीछे को कम दिख रही है। मुँह से 6 दांत है जी। अभी दांतों में 6 है। 6 देखेगा जोटी जाए, 6 दांत है और 6 दांत के हिसाब से साइज भी अच्छा है। अभी और बढ़ोतरी होगी इसकी। तो इसकी क्या कीमत मांग रखी भैया? कीमत मोल अगर हो 90,000 देंगे, 86,000 की। मोल करना तो 90 का करो, देनी 86 की। ये 86 में भी कुछ कम हो जाएंगे? छोड़ करेंगे अपने हाथ से। छोड़ अपने हाथ से करोगे, वैसे नहीं करो ना। और आज कितनी बहन लाए? आज बहन लाए 10। 10 लाए और कहाँ है? 5 बेच दी। 5 बेच दी, 5 खड़ी। तो नफा कमा दिया, सुबह सुबह दबा गया, बढ़िया अलग है। और ये जो जोटी सी खड़ी है, ये कौन? ये पहले ब्यांत की है? पहले ब्यांत की है, मुँह से 4 दांत है। देखेगा एक हल्की जोटी है। और अब 4 दांत जोटी मुँह से बता रहे हैं, 4 दांत है। 4 दांत है। तो कि यू कितने दिन की हो रही है भैया? अभी 10-12 दिन की हो रही, 15 दिन की मान लो। 15 दिन की ब्याई हो रही। तो इसमें कितना दूध है? दूध है इसमें 10 किलो। 10 किलो हमें तो इसमें 10 में सभी कम ही लग रहा। 10 अगर कोई ले जाएगा, 10 की मेरी गारंटी है, फुल गारंटी पे दे दोगे? 10 किलो लिखवा के गारंटी पे, फुल ठेके पे? ठेके पे लिखवा के। अच्छा, इसकी कीमत कितनी है भैया 4 दांत की? 80,000। 80 में कितने कम होंगे? 80 में 2-3 कम कर दूंगा। 2-3 कम कर दोगे? मुझे लग रहा 10-12 कम होंगे। 10-12 नहीं होंगे ना, जब पैसे लेके बैठे जब ही होंगे ना कम। तो पैसे तो 2 घंटे बाद दे दो, कोई दिक्कत ना। अच्छा, 1 घंटे बाद में भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने की? 1 घंटे बाद दे लेंगे। अच्छा, ये जो वाली है, ये वाली तो दो थनी है। दो थन है, मतलब दो मरे हुए या कुदरती दो थन? मरे हुए है। मरे हुए देखेगा दो थनी, वैसे इसे भी दिखा देता हूँ। दो इसमें जो है सिर्फ दो ही थन है भैंस में। ब्याई 3 दिन की। अगले जो थन है पनपे नहीं है, बिल्कुल छोटे हैं ना, कुदरती भी कह सकते हैं, पनपे थन नहीं है। ये दो ही थनी वैसे, तो इसके दो थनी की क्या कीमत है? 1,50,000। आधे लाख 50,000। और इसमें कितने छुटेंगे? इसमें कुछ नहीं छुटे। गड्डी लेनी इसकी तो। और दूध कितना है इसमें? दूध तो 3 दिन की बेई में वो 5 किलो दूध। 5 किलो है। देखिएगा दो थन की भैंस और 50,000 रुपए की बता रहे हैं, उस हिसाब से कीमत बहुत बढ़िया बता रहे हैं। यू भी तुम्हारी है वाली? हमारी या पहलवान है? देखिएगा ये पहलवान जोटी लेके आए हैं, इसमें 8 किलो दूध है। जोटी का थन जो है बहुत ही छोटा थन है, 8 किलो दूध है। कितना? 8 किलो। हाँ जी। और इसकी कितनी कीमत है? इसकी 66,000। 66,000 रुपये। 66 में 6,000 कम नहीं, 1,000। 1,000 कम। देखेगा भाई जो है बहुत ही छोटा सौदा का बता रहे हैं, और सारी जोटी जोटी लेकर आए हुए हैं, और जिस हिसाब की भैंस है उस हिसाब की कीमत बताए हुए हैं। तो वे जो भैंस में की वे भी ऐसी जोटी या बड़े वे बड़े बड़े साइज की? लाख से ऊपर की। लाख से ऊपर वाली। तो वे आते ही बिक गए? ठीक है भैया जी,
देखेगा नहीं भाई का, हम काम जो है हमेशा अच्छा ही काम है। और जो जिस तरह की भैंस होती है उसी तरह की कीमत बताइए भाई ने। तो चलते हैं कुछ और भैंसों को दिखाएंगे। देखिएगा एक सामने दिखा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल छोटे सिंगों वाली झोटी है। जो किसकी इधर है, खोलिए खोलिए चलिए। जैसे हम वीडियो बढ़ाने पहुँचे इनकी भैंस एक तय हो गया। अभी देखेगा अभी पास कर रहे हैं बच्चे छोड़ के, इसके पास हम नहीं जाएंगे। भैंस मौके पर कूद जाती हैं। खोलिए से खोलिए खोले। देखो बिल्कुल बिल्कुल छोटे सिंगों वाली भैंस है। और जड़ जड़ देखे बहुत ही बेहतरीन जड़, ठोस चुकी हुई जड़ है। लिया भैंस जो है शरीर में थोड़ी कमजोर हो रही है, लेकिन बात जड़ थन की करें तो जड़ थन बड़ा बेहतरीन है, बारीक थन है। और इनकी जो है इस दावणी में हमेशा बढ़िया वाली भैंस आती है, रोटे वालों की भैंसें हैं। देखेगा एक और झोटी देखा गया, कैडी भी आई हुई भैंसे अभी, और ये बिगी है अभी मौके पर, अभी पास होएगी, बच्चे पर घुमा के दिखा रहे हैं। और ये वाली ये भी बिकी खड़ी। देखेगा जो ये जो भैंसियाँ इनकी खड़ी हैं, सभी भी इस समय बिकी हुई खड़ी हैं। इनकी खरीदार यहाँ ले लेके बांध के चले गए। अभी पूछते हैं इनकी कीमत कितने की बिकी है इन्होंने। देखेगा जो भैंस दिखा रहे थे, अभी भैंस जो है बच्चे पर थोड़ी आफत कर रही है। और ये भैंस जो है 65,000 रुपये की भैंस है, और देख कैडी भी आई हुई है। भाई जो बता रहे हैं इसमें 11-12 किलो दूध बता रहे हैं व्यापारी भाई। और जो इनकी ये जो अभी भाई भैंस घुमा के दिखाई थी, ये जो लोटे हुए ये भी और दूसरे भी, ये दोनों भी बिक गई हैं। ये कितने की बता रहे हैं, ये 12 किलो दूध तैयार है और 70,000 रुपये की बिकी है। और ये जो इधर वाली है 85,000 रुपये की भैंस बिकी है। ये 11 किलो दूध है, 85,000 की बिकी बता रहे हैं व्यापारी जो खरीदने वाले हैं। यहीं बंदी भी छोड़ कर चले गए हैं। एक और दिखा रहे हैं भैंस, बहुत ही बढ़िया अड़ बना रही है भैंस, अच्छी जड़थन की है। बारे भाई कितनी स्पीड लगाओगा, दूध दे चला ले लिया। भैंस का जो पीठ पुट्ठे से बड़ी बेहतरीन भैंस है और जड़थन की साफ सुथरी है। ले चलो भैया ले चलो। तो बातचीत करेंगे इसकी भी कीमतों की। बहुत बढ़िया शरीर से बनी हुई भैंस है और थन अच्छा लंबा थन है। इसका बच्चा बताइए भैया कीमत बताइए। क्या हाल है भैया जी? ठीक हाल है भैया जी। क्या नाम है? अनीस नाम है। कहाँ के रहने वाले? सियाना जिला बुलंदशहर। सियाने से आए हैं आप एक ने? तो कितनी भैंस लेके आए थे? ये सही लाए, यू एक ही लाए हो। देखिए जिला बुलंदशहर सियाने के भैंस आए हुए। और ये भैंस जो है कौन से ब्याह की है भैया? दूसरा भी आई है जी। दूसरे भी आई है? और कितने दिन की ब्याई करी? आज छठा दिन है ब्याई भी को। अब दूध कितना है इसमें तैयार? 14 किलो। 14 किलो ऐसे ही कहने का ही? हाँ जी ना, दूध बढ़िया वाला 14 किलो। नपती का। और क्या कीमत मांग रखी है? कीमत है इसकी 1,16,000। 1,16,000 कीमत तो बड़ी जबरदस्त बता दी। तो इसमें कुछ कम भी होंगे या फिक्स है? आप तो तुम्हें फाइनली बता रहे हैं। ये फाइनली बता रहे हो? तो अभी लगी सुबह से कीमत नहीं लगी? लग रही है, कम मांग रही है। कम मांग रही? कितने कम मांग रही? 1,00,000 की नहीं मांग रही। 1 की नहीं मांग रही? 1 की मांगती तो चली जाती मैं। और वापस ले जाऊंगा। देनी नहीं है? कितने की देनी है फिर? बस यही देनी है, इतने की। इतने की देनी है? तो ठीक है भैया जी। और भैंस दिखा रहे हैं तो अच्छी भारी भरकम भैंस है। और इस समय देखिएगा मौके पे ब्याह भी रही है भैंस। चले जाए वाली भैंस को जो सामने झोटी दिखा रहे हैं, बहुत अच्छी बिल्कुल छोटे सिंगों वाली झोटी है और थोड़ा सा बहुत बढ़िया जड़थन की साफ सुथरी है। और जो इसके व्यापारी हैं पूरी तारीफ कर रहे हैं इस झोटी की, देखिएगा कितनी बढ़िया अच्छी जड़ बना रही है। और बिल्कुल ही छोटे सिंग है, थड़ों में फांसला बहुत ही बढ़िया। ले चलो भैया बच्चे में ले चलो। और शरीर की बनावट जब बड़ी बेहतरीन है। और यह व्यापारी पहले भी हमारी कई वीडियो में पहले भी देखते होंगे। क्या हाल है भैया? बढ़िया भाई साहब। एक बार अपना नाम पता बता दो। लंबर नाम? नाम 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 सिराज। कहाँ के रहने वाले? कस्बा जिला बुलंदशहर। जिला बुलंदशहर के? अच्छा, ये जो झोटी ले रहे हो भैया कौन से ब्याह के है? दूसरे। और कब की ब्याह हुई? ब्याह हुई 15 दिन की। 15 दिन की? तो बच्चा क्या है इसके नीचे? कटी है। तो अब दूध कितना है इसमें तैयार? 15 किलो
15 किलो है या ऐसे ही कहने का ही है? अरे कोई सामने क्या आवे तो काटने के लिए हो? जब कोई आवे काटने के लिए तो 15 किलो काट देगी? हाँ 15 किलो भी तो अभी बताओगे जब सामने काटेगा आगे, जब कोई काटेगा आगे। और क्या कीमत मांग रखी है इसकी? 2,60,000 कीमत। बड़ी जबरदस्त बता दी होती है। अच्छा तो ये जो बताए हैं ये फिक्स रहेंगे या कम भी होंगे? कुछ जो कसम थोड़ी खा के बैठी है। कसम नहीं खाई? नहीं। तो कितनी कसम कितने पर टूट रही? जब जब देखी जाएगी। ऐसे नहीं अभी नहीं, नहीं पता लगे ये पूरे 60,000 जाओगे? 60 ही चले जाएंगे एक चले जाएंगे पूरे पूरे देख लो पूरे एक ही चले जाएंगे। देखेगा दूसरे व्यापारी यहाँ सामने बता रहे तुम ले लो चलो जो है व्यापारी कुछ भी कीमत बताते हैं, इसलिए पूरे इसमें 1,00,000 रुपए कम की बता रहे हैं। वैसे कीमत एक व्यापारी कुछ भी बताए जो टी जैन की अच्छी है। ठीक है भैया जी, अच्छा कीमत जो है व्यापारी बाजार में कुछ बता देते हैं। देखिए का मौके पर भैंस बयान भी लग रही है, जब ज्ञापन भैंस ले आते हैं व्यापारी इस तरह से। एक और भैंस उस साइड में वो बिया खड़ी है, बयान लग रही है। सभी तरह की भैंस आती हैं, हल्के साइज की और सभी। सभी भाइयों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। देखिएगा छोटे साइज की भैंस है लेकिन जड़ जड़थन बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छा बड़ा डड़ बना रही है। झोटी मीडियम साइज में है, बात इतनी भैंस ऊपर है और इतनी नीचे जड़ जड़ बना रखी है भैंस ने। जड़ जो है बड़ी बेहतरीन जड़ है, अच्छी अच्छी झोटी है, बहुत ही अच्छी जड़ थन की है बिल्कुल। ब्याह भी 10-12 दिन की ब्याह भी होगी, अभी बातचीत करते हैं। आ जाओ भैया, क्या हाल है भैया? बढ़िया जी भैया। क्या नाम है? वरुण शर्मा। कहाँ के रहने वाले? शिवपुरी। ये जो भैंस ले रहे हो मीडियम साइज की, ये कौन से ब्याह की है भैया? दूसरे ब्याह भैया जी। दूसरे ब्याह, और कितने दिन की हो रही ब्याह? ब्याह भाई आज 12 दिन की। 12 दिन की। और कितनी भैंस ला रखी है आज? दो हैं। दो है, दूसरी कौन सी है? एक बिग्गी एक ही और है। एक बिग्गी। अच्छा इस और दूध कितना है इसमें तैयार? इसमें 14 किलो दूध भाई। 14 किलो पक्का? ग्राहक भैया गिराग भी आ गए हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो इसकी कीमत क्या है भैया? एक इसकी 90,000 रुपये। 90,000। तो ये 90 बता रहे हैं, फिक्स है कुछ कम भी होंगे? 85,000 की बिक गई हूँ। 85,000 की बिक दी तो बिक गई बता रहे हो? सही नोट भी घड़े बढ़ा रहा ये भैंस है, बिकी 85,000 की बिकी हुई बता रहे हैं। पूरा भरपूर भरा हुआ है बाजार, एक से एक अच्छी भैंस आती है सलापुर के बाजार में। सभी भाइयों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।